लंबे वक्त के बाद आखिर वो आज दिन आ ही गया जब राजस्थान में एक बार फिर से सरकार को चुनने का आम जनता के हाथ में अधिकार आ गया। जी हाँ, आज राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं। तो चलिए आज आपको अपनी इस रिपोर्ट में वहाँ की कुछ दिलचस्प बातों से रूबरू कराते हैं। बता दें कि राजस्थान में अब मतदान जारी है और यहाँ पर 199 सीटों पर ही मतदान हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अलवर की रामगढ़ सीट से बसपा प्रत्याशी लक्ष्मण चौधरी के निधन के बाद ये चुनाव स्थगित हो गया है। अगर राजस्थान के रण को जीतने के लिए इस बार 2274 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, जिसमें महिला प्रत्याशी 182 हैं, तो वहीं पुरुष प्रत्याशी 2092 हैं। और प्रदेश में कुल पोलिंग बूथ 51,687 हैं। और प्रदेश में इस बार कांटे की टक्कर है। कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी अपनी ओर से पूरी ताकत झोंक रखी है राजस्थान को जीतने के लिए। अगर बता दें कि वहीं आज 2274 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी, जिसका नतीजा 11 दिसंबर को आएगा और उस दिन साफ हो जाएगा कि इस बार प्रदेश में किसकी लहर है, किसका परचम लहरेगा। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।